हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जर्नलिटी का और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बैड डेट। क्या दोस्तों? बैड डेट, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कि सर बैड डेट जब भी आता है तो उसका जर्नलिटी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाता है। तो वो सब कहने का होता है, डिफिकल्टी होता है। हालांकि जर्नलिटी बैड डेट के केस में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्या होता है? बैड डेट के केस में जर्नलिटी करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का बैड डेट के रिलेटेड जर्नलिटी होने वाला है कि अगर बैड डेट है तो जर्नलिटी कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। आज के बाद तुम लोगों को बैड डेट के रिलेटेड कभी भी क्वेरी कोई या तो कोई प्रॉब्लम कभी भी फेस करना पड़ेगा ही नहीं। अगर ये तुम लोग वीडियो देखोगे ना तो तुम लोगों को जर्नलिटी बैड डेट के रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहना, हालांकि मैं एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन का सोल्यूशन हर क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन का जो पीडीएफ होता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूँ। तो अगर तुम लोगों ने प्रीवियसली क्लास में अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा क्या होता है पीडीएफ होता है क्लास का, तो तुम लोग वो पीडीएफ आराम से देख लो, जिससे कि तुम लोगों का जो भी मैंने पढ़ाया है उस क्लास का तुम्हें नोट्स मिल जाए, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है हम लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से समझना, ठीक है। अगर फास्ट में पढ़ा दो तो तुम लोग वीडियो को स्लो करके देख लेना, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो मैं क्लास आज का जो सेशन है हम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि। तो हम लोगों को रवि के बुक्स में ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है दोस्तों, ठीक है। तो एकदम ईजी वे में समझना, कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को जिंदगी में होने वाला नहीं। हालांकि जिंदगी में पता है तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर भी ये वीडियो देखोगे तो तुम लोगों का थोड़ा सा दुख कमेगा, दुख समझ रहे हो ना, दुख थोड़ा सा कमने वाला, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, नवीन कुमार, हम लोग याद रखना हम लोग किसके बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ रवि। हम मैं प्रॉपर जर्नलिटी का फॉर्मेट ही फॉलो करने वाला हूँ। हालांकि मैंने जर्नलिटी का फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है और इसका सोल्यूशन ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। तो मैं बस अभी तुम लोगों को रफली बता दूंगा ऊपर में क्वेश्चन सोल्यूशन करके और नीचे में उसका सोल्यूशन अवेलेबल है। तो टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। तो नवीन कुमार हु ओड 25,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। तो ऐसा समझना, जब भी ओड मतलब क्या था, नवीन कुमार ने रवि से पैसा लिया होगा। ओड मतलब देखो, ओड मतलब लेना, ठीक है। तो रवि देखो, नवीन ने किससे लिया होगा, रवि से पैसा लिया होगा, मान के चलते हम लोग ऐसा, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि नवीन ने रवि से कितना 25,000 रुपीज का सामान खरीदा होगा, लेकिन सामान कैसे खरीदा होगा दोस्तों, क्रेडिट में खरीदा होगा। कैसे दोस्तों, क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा होगा, ठीक है। तो रवि कुमार को नवीन से 25,000 रुपीज लेना है, ठीक है, ये बात समझ के चलना दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा, नवीन कुमार हु और 25,000 मतलब नवीन कुमार ने रवि से कितना 25,000 रुपीज लिया था, फिर बाद में मालूम चला को वो क्या हो गया, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। क्या हो गया दोस्तों, नवीन कुमार क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। अब देखो, अब इंसॉल्वेंट क्या है, ये मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट से पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जब मेरा क्या हो, लाइबिलिटी ज्यादा हो और मेरा एसेट्स कम हो। मतलब कि मान लो कि मैंने 100 रुपया किसी से लिया है, ठीक है, अब मैं वो 100 रुपये उसे दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि दिवालिया निकल जाना, क्या निकल जाना, दिवालिया मतलब पैसा नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो नवीन कुमार ने 25,000 रुपीज किससे, रवि से लिया था, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब उनका क्या हो गया, उनका लाइबिलिटी ज्यादा हो गया और एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया, मतलब उनका दिवालिया निकल गया। क्या निकल गया, दिवालिया, ठीक है। ओनली 60% कुड बी रिकवर फ्रॉम स्टेट मतलब उनके प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो उनके एसेट से कितना पैसा, कितना उनके प्रॉपर्टी से कितना निकला, ओनली 60%। मतलब देखो, सिंपल सा बात है, नवीन कुमार ने रवि से 25,000 रुपीस लिया था, जब रवि कुमार नवीन से पैसा मांगने गए तो ये क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट इनका दिवालिया निकल गया, दिवालिया मतलब कि इनका लाइबिलिटी ज्यादा हो गया और एसेट्स क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाने से तुम लोग जानते होगे ना, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पहले ओनर कौन था, विजय मालिया क्या हो गया, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब उनका दिवालिया मतलब कि वो क्या करते, देश छोड़ के भाग गए थे ना, बैंक वैंक के पैसा लेके, ठीक है, याद ही होगा तुम लोगों को। तो मान के चलो इंसॉल्वेंट का मतलब उस तरीके का ही होता है, ठीक है ना। तो नवीन कुमार ने रवि से 25,000
25,000 रुपीज लिया था और वो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। आफ्टर डेट उनके स्टेट से मतलब उनके प्रॉपर्टी से ओनली 60% ही रिकवर हुआ। समझ में आया ये तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो 60% तो सबसे पहले तुम लोगों को 25,000 का 60% निकालना होगा। कितना होगा 25,000 का 60% निकालो, 60,000 ऑफ कितना 25%, मतलब 60,000 का कितना 25,000 का 60% निकालो, 25,000 का कितना दोस्तों 60%, तो कितना होगा 25,000 का 60% 15,000। मतलब रवि ने नवीन कुमार से ओनली 15,000 रुपीज ही क्या किया, रिकवर किया। मतलब सिनेरियो ऐसा हुआ कि रवि को लेना था 25,000, इन्होंने रिकवर किया 15,000 किससे, नवीन से। मतलब 10,000 क्या हो गया, 10,000 पैसा इनका डूब गया। डूब गया मतलब बैड डेट। क्या हो गया दोस्तों, डूबना को क्या बोलता है, जो पैसा मान लो कि तुम अपने फ्रेंड को 100 रुपीज दिए, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें पैसा ही नहीं दिया, तो तुम्हारा 100 रुपीज क्या हो गया, डूब गया ना, तो डूबने को क्या बोलता है, बैड डेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैड डेट। ठीक है, तो इनका इसी का एंट्री हम लोग को जनरलिटी के फॉर्म में करके बताना होगा, क्योंकि जनरलिटी के टाइम में इस तरीके का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रवि को कितना मिला, नवीन से 15,000 रुपीज मिला। तो मिला तो क्या होगा, जो मान लो रूल्स क्या बोलता है, गोल्डन रूल, जब हमें कुछ मिलता है, मतलब बिजनेस को जब कुछ मिलता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। तो रवि को क्या मिला, 15,000 रुपीज मिला, मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना देर से डेबिट हुआ, 15,000 से। ठीक है, रवि डूब गया, डूबा कितना, 10,000 रुपीज। कितना डूबा दोस्तों, 10,000 रुपीज। जब भी पैसा डूब गया मतलब लॉस हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है दोस्तों, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो लॉस को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। लॉस को क्या, लॉस का नाम क्या, बैड डेट। क्या हो गया दोस्तों, बैड डेट कितना हो गया दोस्तों, रवि कुमार का 10,000 रुपीज। कितना हो गया दोस्तों, 10,000 रुपीज। और हम लोग किसे, और हम लोगों को ये पैसा किससे मिला था, नवीन से। तो नवीन को कर देंगे क्या, क्रेडिट। क्या कर देंगे दोस्तों, क्रेडिट नवीन कुमार। कितना से क्रेडिट होगा, 25,000 से। मतलब 25,000 हम लोगों को 25,000 हम लोगों को नवीन से लेना था, जिसमें से 15,000 उन्होंने दिया था और 10,000 हम लोगों का डूब गया था। जब बिजनेस को किसी से कुछ लेना पड़ता तो उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तुम लोगों को मैंने प्रीवियसली जनरलिटी क्लास में बताया हुआ है, समझ में तुम लोगों को। तो बिजनेस को कितना मिला, 15,000 रुपीज मिला, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस का लॉस कितना हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो लॉस हो गया दोस्तों, बैड डेट क्या है, लॉस ही है। तो क्या उतना हो गया, 10,000 रुपीज। ठीक है, और किससे लेना था, 9,000 से 25,000 रुपीज लेना था। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। मतलब जो बिजनेस को कुछ देता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस को इस केस में किसने, नवीन को कितना दिया, नवीन ने दिया ना, कितना दिया, 15,000। इसलिए नवीन को क्या कर दिया हम लोग, क्रेडिट किया। और जब बिजनेस से कोई लेता है ना, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उससे हमें डेबिट करते हैं। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग का जनरेटिव, ये सब टेंशन मत लेना, इसका नीचे सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो नोट डाउन करने का कोई नीड नहीं है तुम लोगों को, नोट डाउन आराम से बाद में कर लेना कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 अप्रैल को, कितना को, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। देखो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, बैड डेट कितना हो गया, 10,000। यहाँ पे डेट हम लोग दे देंगे, अप्रैल 1 का बात हो रहा है। ठीक है, टू नवीन, नवीन से कितना लेना, नवीन ने कितना दिया, 25,000, बीइंग 60% रिकवरी ऑन दी इंसॉल्वेंसी। ठीक है, नवीन ने एक्चुअली 25,000 नहीं दिया, नवीन ने कितना दिया, 15,000 ही दिया था, 10,000 लॉस हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 5 का क्वेश्चन क्या बोला, देखो गोविंद प्रसाद हु ओड 40,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मतलब गोविंद प्रसाद ने रवि से 40,000 रुपीज लिया था और वो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। मतलब उनका लाइबिलिटी ज्यादा, एसेट्स कम। ठीक है, कितना परसेंट रिकवर हुआ है, ओनली 40 पैसा। 40 पैसा का मतलब यहाँ मैं मान के चला 40%, कितना माना, 40%, ओनली 40% इन रुपी रिकवर फ्रॉम ही। मतलब ओनली 40% ही क्या हो गया, मिस्टर रवि को मिस्टर गोविंद प्रसाद से क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। मतलब रिकवर मतलब मिला है। ठीक है, तो 40,000 का सबसे पहले तुम लोग 40% निकालो, क्या निकालो, 40,000 का 40% निकालो, कितना रिकवर हुआ है, ओनली 40%। मतलब 100% होता है, 40% रिकवर हुआ, मतलब 60% क्या हो गया दोस्तों, डूब गया। क्या हो गया, डूब गया। ठीक है ना, याद रखना। तो 40,000 का कितना परसेंट,
40,000 का हम लोगों को निकालना है 40%, मतलब 16,000 रुपीज, कितना 16,000 रुपीज रवि को मिला होगा और कितना 24,000 रुपीज रवि का डूब गया होगा, कितना 24,000 रुपीज रवि का डूब गया होगा, ठीक है ना। तो इसको जनरेटली कैसे देखो, हम लोग रवि को कितना मिला होगा, ओनली 60 कितना 40% रिकवर हुआ ना, मतलब 40,000 का कितना 40,000 का निकालो तुम लोग, कितना परसेंट, कितना परसेंट 40%, तो 40/100 ये निकलने कितना वाला है दोस्तों, तुम्हारा निकलने वाला है कितना निकलेगा 60,000, कितना सॉरी 16,000, हाँ लेना था 40,000 मिला 16,000, मतलब डूब कितना गया 24,000, समझ में है। इसे हम लोग को जनरेटी के फॉर्मेट में दिखाना होगा, तो मिला जो मिला उसे डेबिट करते, पता ही तो लोगों क्या मिला, हम लोगों को कैश मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना से 16,000 से, जो डूब गया मतलब लॉस, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस इधर डेबिट, तो बैड डेट कर दो लॉस, बैड डेट क्या हम लोग के लिए लॉस है, तो बैड डेट कर दो कितना 24,000, ठीक है। और बिजनेस को किसने दिया था, बिजनेस को किसने दिया था, तो गोविंद प्रसाद ने दिया था, तो गोविंद प्रसाद को कर दीजिए क्रेडिट, गोविंद प्रसाद को कर दीजिए क्रेडिट, कितना से क्रेडिट कीजिएगा, कितना से 40,000 से, ठीक है, मतलब गोविंद प्रसाद से लेना था 40,000, उन्होंने दिया 16,000, 24,000 उन्होंने डुबा दिया, डूब गया, ठीक है ना। तो इसे याद रखना, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताया हुआ है, देखो कैश अकाउंट डेबिट 16,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 24,000, ठीक है, गोविंद प्रसाद 40,000 बीइंग 40 पैसा इन ए रुपी रिकवर ऑन द इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अप्रैल 10, ठीक है, अप्रैल 10 में क्या, देखो द अकाउंट ऑफ अनिल प्रसाद हु ओड 10,000 इज रिटर्न ऑफ एज बेड, ठीक है, एज नथिंग बेड डेट होगा, बेड डेट, ठीक है। तो द अकाउंट ऑफ अनिल प्रसाद हु ओड 10,000 इज रिटर्न ऑफ एज ए बेड डेट एज नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम हिम, मतलब अनिल प्रसाद ने रवि से 10,000 रुपीज लिया था, ठीक है, और अनिल से कुछ भी पैसा रवि को रिकवर नहीं हुआ, मतलब टोटल का टोटल पैसा डूब गया, मतलब सिंपल सा है, अनिल क्या है, अनिल ने रवि से 10,000 रुपीज लिया और अनिल ने रवि को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो अनिल का टोटल पैसा क्या हो गया, डूब गया, क्या हो गया दोस्तों, डूब गया, मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया टोटल के टोटल। मान लो कैसा, तुम अपने किसी फ्रेंड को 10,000 रुपीज दिए होगे, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें पैसा ही नहीं दिया होगा, तो वो क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। तो डूबने का एंट्री पास करना है, क्या करना, डूबने का, नदी में डूबने का नहीं, हाँ डूबने का, तो क्या डूबता तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस है, लॉस को हम डेबिट करते हैं, मतलब बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट कितना हो गया दोस्तों 10,000, और क्रेडिट किसे करेंगे, अनिल प्रसाद को करेंगे, क्योंकि अनिल प्रसाद से मिलना था, वो देने वाला नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना, प्रसाद, ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आया, सॉल्यूशन में देख लेना, और नरेशन भी मैंने नीचे में करा कर रखा, नरेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, नरेशन हर क्वेश्चन में लिखना, नरेशन मैंने नीचे में लिख के रखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट क्या तुम्हारा, मुन्ना शाह हु ओड 60,000 इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, मतलब मुन्ना शाह ने रवि से 60,000 रुपीज लिया था, वो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है। फर्स्ट कॉम्पोजिशन में कितना रिकवर हुआ, 30% रिकवर फ्रॉम हिम, ठीक है, मतलब सिंपल सा है, रवि ने मुन्ना शाह को 60,000 रुपीज दिया था और बाद में क्या हो गया, मुन्ना शाह इंसॉल्वेंट हो गए। पहला कॉम्पोजिशन मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, मान के चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मुन्ना शाह से उन्हें कितना मिला, 30% मिला, क्या मिला 30%। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या निकाला, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना 60,000 है ना, 60,000 का निकाला 30%, कितना निकालो 30%, मतलब 18,000 अराउंड होगा, कितना होगा 18,000, मतलब फर्स्ट कॉम्पोजिशन में कितना रिकवर हुआ है 18,000, कितना रिकवर हुआ है 18,000, किससे, मुन्ना से, 60,000 का निकाल लो 30%, तो कितना निकलेगा 18,000 हम लोगों को फर्स्ट में रिकवर हुआ है, किससे, मुन्ना से, तो रिकवर कितना मिला हम लोगों को,
कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना डेबिट होगा 18,000। और किसने दिया? मुन्ना ने, जो बिजनेस को कुछ देता है दोस्तों हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो मुन्ना का नाम लिख दो क्रेडिट में, मुन्ना कितना 18,000। समझ में आया? ठीक है, आई होप तुम लोग अभी समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल का, ठीक है ना, 15 अप्रैल का देखो सॉल्यूशन हमें क्या होगा। 15 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू मुन्ना सा 18,000 बीइंग फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 30% रिकवर फ्रॉम हिम। या बिंग लिखना छूट गया, बिंग तुम लोग लिख लोगे, याद रखना, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 30% रिकवर फ्रॉम इंसॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सुमित कुमार अब आ गए हम लोग के, सुमित कुमार हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज ए बैड डेट लास्ट टाइम। मतलब देखो ऐसा सीनरी हुआ, देखो रवि, ये थे रवि, ये है मान लो सुमित, ठीक है, दोनों का सीनरी समझ में। लास्ट ईयर का, अभी का बात में नहीं कर रहा हूँ, अभी का बात कर ही नहीं रहा, लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर में क्या था पता है, रवि ने सुमित को 28,000 रुपीज का गुड सामान बेचा था, ठीक है सुमित कुमार ने रवि को 1 रुपया भी दिया नहीं। अब पैसा क्या, टोटल का टोटल रवि कुमार क्या मान लिए थे, बैड डेट मान लिए कि मेरा पैसा डूब गया था 28,000। कब लास्ट ईयर, देखो क्या हुआ, सुमित कुमार हुज अकाउंट वाज रिटेन ऑफ एज ए बैड डेट लास्ट ईयर। मतलब सुमित कुमार का अकाउंट लास्ट ईयर रवि ने क्या मान लिया था, बैड डेट मान लिया था कि बैड डेट हो गया मेरा, कितना का 20 जो भी अमाउंट हो बैड डेट हो गया, बट पेड 28,000। मतलब देखो लास्ट ईयर क्या हो गया था, रवि कुमार ने सुमित को क्या मान लिया था, बेड डेट मान लिया कि ये मैंने ऐसा हो गया कि रवि ने सुमित को 28,000 रुपीज का सामान बेचा, ठीक है, सुमित ने रवि को पैसा नहीं दिया तो रवि क्या मान लिया कि मेरा पैसा बेड डेट हो गया, मतलब डूब गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सुमित कुमार जो है ना वो बहुत दयालु किस्म के इंसान है, तो उन्होंने क्या किया पता है, 28,000 रुपीज अब किसे रवि को उन्होंने दे दिया, ठीक है, ये जनरलिटी। तो इसे हम लोगों को कैसे करना, देखो जो पैसा डूब गया तो उसे हम लोगों ने बैड डेट मान लिया, अब डूबा हुआ पैसा मिलेगा ना तो बैड डेट रिकवर हो रहा है ना दोस्तों, तो बैड डेट रिकवर, देखो जब डूबा था पैसा मेरे लिए लॉस हो गया, अब डूबा हुआ पैसा मिलेगा तो मेरे लिए क्या दोस्तों, इनकम है, क्या है, इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, ऑल क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। क्या करते हम लोग, जितना भी तरीके का इनकम होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, क्रेडिट करने वाले हैं, याद रखना, ठीक है, समझ में ना। देखो अभी कैसे क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले सुमित कुमार ने 28,000 रुपीज किसे देंगे, रवि को, तो रवि के पास पैसा आने वाला ना दोस्तों, पैसा आएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 28,000 रुपीज, ठीक है, टू क्या होगा दोस्तों, टू क्या नाम लिखेंगे, बैड डेट रिकवर, क्योंकि डूबा हुआ पैसा मिलेगा तो इनकम होगा दोस्तों, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो बैड डेट रिकवर क्या लिखेंगे, रिकवर कितना 28,000, ठीक है, बीइंग बैड डेट रिकवर, बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बैड डेट रिकवर, ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अप्रैल 25 का क्वेश्चन है, क्या है, रिकवर 25,500 फ्रॉम पंकज शाह, पंकज शाह से रवि कुमार 25,500 रिकवर उन्होंने कर लिया, ठीक है, हुज अकाउंट ऑफ 45,000 वाज रिटेन ऑफ एज ए बैड डेट लास्ट ईयर, ये समझना, ठीक है। देखो दो पर्सन है, एक है रवि, ये है पंकज, ठीक है, लास्ट ईयर का मैं पहले सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है पंकज। तो लास्ट ईयर में ऐसा हो गया होगा, रवि ने पंकज को 45,000 रुपीज का क्या किया, सामान बेचा, अब पंकज ने रवि को पैसा नहीं दिया तो रवि ने 45,000 से क्या मान लिया कि मेरा बैड डेट हो गया, क्या हो गया, बैड डेट। तो इन्होंने जल्दी क्या पास किया होगा, बैड डेट मान लिया, तो इन्होंने जल्दी क्या पास किया, क्या क्या होगा, बैड डेट कितना होगा 45,000 टू पंकज, इन्होंने ऐसा मान लिया होगा, ठीक है, पैसा मिला लेने इन्होंने ऐसा जल्दी पास कर दिया था लास्ट ईयर में। अब क्या होगा, वही मिस्टर पंकज क्या कर रहे हैं पता है, 25,500 किसे, रवि कुमार को दे रहे हैं, मतलब पंकज से कितना रिकवर हो रहा है, 25,500 किसे, पंकज से रिकवर हो रहा है, किसे रिकवर हो रहा है, रवि को। तो मतलब पंकज, रवि के पास पैसा आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है दोस्तों, पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा तो क्या होगा दोस्तों, कैश अकाउंट क्या होगा दोस्तों, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा, कितना से डेबिट 25,500, और डूबा हुआ पैसा रिकवर, बैड डेट रिकवर्ड क्या होगा दोस्तों, बैड डेट
रिकवर, ठीक है। बैड डेट रिकवर कितना होगा दोस्तों, 25,500। बैड डेट रिकवर हमारे लिए इनकम है, तो इनकम को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। क्या करने वाले दोस्तों, क्रेडिट करने वाले हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बैड डेट को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये जनरेटिव तुम लोगों को यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो अप्रैल कितना था, कितना था अप्रैल, ये था ना अप्रैल 25। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर कितना, 25,000, 25,000, ठीक है, बीइंग बैड डेट रिकवर। समझ में आया तुम लोगों को, अच्छा से समझ में आया, जय माता दी, समझ में आया ना। हाँ, फिर देखो, फिर नेक्स्ट लास्ट लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेकेंड एंड फाइनल डिविडेंड। क्या लिखा हुआ है, सेकेंड एंड फाइनल डिविडेंड 40% कुड बी रिकवर फ्रॉम मुन्ना शाह। देखो मुन्ना शाह का रिलेटेड दो क्वेश्चन है। देखो मुन्ना शाह हु वर्थ 60,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर क्या हो गए थे, इंसॉल्वेंट हो गए थे, और उनसे पहले में कितना 30% रिकवर हो गया था। अब देखो अब वो फर्स्ट कॉम्पोजिशन में सेकेंड पर कितना 30% रिकवर हुआ है, अब सेकेंड एंड फाइनल डिविडेंड मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उनसे हम लोग उनसे रवि ने कितना रिकवर किया, 40% कितना रिकवर किया, 40% रिकवर फ्रॉम द मुन्ना शाह। मतलब देखो ऐसा हो गया था ना, देखो 60,000, अच्छा से समझने की कोशिश करना, 60,000 में से 30% पहले रिकवर हो गया, 30/100 मतलब 18,000, ठीक है, ये समझ में आया तुम लोगों को। फिर 60,000 में से अब कितना रिकवर हुआ, 40/100 कितना होगा तुम्हारा, तुम्हारा कितना होगा, 60 का निकाल लो 40। मुझे तो एक 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 सॉल्यूशन करने के लिए कैलकुलेटर नहीं दी है, ठीक है ना, कितना 40% तो कितना होगा, सेकेंड में इनको रिकवर हो रहा है। देखो दो केस, पहला में रवि को 18,000 रिकवर हुआ, सेकेंड केस में रवि को 24,000 रिकवर हुआ। समझ में आया, मतलब टोटल करो कितना हुआ, 24 + 18 कितना होगा, 42,000 टोटल रवि को कितना हुआ, किससे रिकवर हुआ है, किससे रिकवर हुआ है, मुन्ना शाह से। मतलब लेना था 60,000, रिकवर हुआ 42,000 मतलब 1800, अभी भी 18,000 क्या हो गया, क्या हो गया हम लोगों का फाइनली, ये डूब गया, बैड डेट हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 18,000 हम लोगों का बैड डेट हो गया। समझ में आया ना तुम लोगों को, इजी है ना, इजी है ना, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं दोस्तों। देखो अभी समझने की कोशिश करना, मैं नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके जा रहा हूँ। देखो कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ही है, सॉरी यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कॉम्पोजिशन में 18,000 रिकवर हो गया था, मतलब 60 out of 18,000 रिकवर हुआ था, मतलब 42,000 और रुपीस लेना था, किससे लेना था, मुन्ना से, किससे लेना था, मुन्ना से। अभी लेना कितना था, मुन्ना ने 40,000 रुपीस लेना था, 42,000 लेना था, ठीक है, जिसमें से कितना परसेंट हम, मैंने तुमको कैसे 24,000 आया, मैंने तुम्हें निकाल के बताया हुआ है, 24,000 हम लोगों को किससे, मुन्ना से रिकवर हो गया, मतलब 18,000 क्या हो गया हम लोगों का, बैड डेट हो गया, क्या हो गया दोस्तों, बैड डेट हो गया, बीइंग फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ 40% रिकवर, ठीक है। आई होप ये क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा, अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये जो मेरा क्लासेस है ना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करो, जिससे कि मैं सभी तक पहुँच पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ पर मैं चैनल टी के रिलेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है।